नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। नहमाया की पुस्तक अध्याय 12। याजकों और लेवियों का ब्यौरा। जो याजक और लेविय शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे वे ये थे, अर्थात सरायाह, इर्मयाह, एज्रा, अमयाह, मल्लुक, हत्तुश, शकन्याह, रहूम, मरेमोता, इद्दो, गिंतोई, अबियाह, मियामिन, माद्याह, बिलगा, शमायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेविय गए, अर्थात यीशु, बिन्नुई, कदमियल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था, और उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे, और यीशु से योकायम उत्पन्न हुआ, और योकायम से एल्याशिब, और एल्याशिब से योयादा, और योयादा से योनातान, और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। और योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शरायाह का और मरायाह, इल्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम, अमरयाह का यहोहा नान, मल्लुकी का योनातान, शबन्याह का योसेप, हरिम का अदना, मरायोत का हेल्कै, इद्दो का जकरियाह, गिनतोन का मशुल्लाम, अबियाह का जिक्री, मिन्यामिन का मोद्याह का पितले, बिलगा का शमू, शमायाह का यहोनातान, युआरीम का मत्तेन, यदायाह का उज्जी, सल्ले का कल्ले, अमोक का एरेब, हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल, एलाशिब, योयाद, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे, और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे जो लेवीय पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। उनके नाम एल्याशिब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे, और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हसब्याह, शेरेब्याह, कदमियल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे, मत्तन्याह, बकबुक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे, और योयाकीम के दिनों में जो योसादास का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहमाया अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और बिना बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमा बेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर दो बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे।
इनमें से एक दल तो दक्षिण और अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहर पना के ऊपर ऊपर से चला और उसके पीछे पीछे ये चले अर्थात होशायाह और यहूदा के आधे हकीम और अजरियाह एज्रा मशुल्ला यहूदा बिन्यामिन शमायाह और इर्मयाह और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए हुए अर्थात जकरियाह जो योहानान का पुत्र था यह शमायाह का पुत्र यह मतन्याह का पुत्र यह मिकायाह का पुत्र यह जक्कूर का पुत्र यह आसाप का पुत्र था और उसके भाई शमायाह अजरेल मिलेल गिलेल माए नतनेल यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे और उनके आगे आगे एज्रा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ गए। शहरपना की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंचे और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपना के ऊपर ऊपर के झटों के घुमट के पास से चौड़ी शहरपना तक और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल की घुम्मट और हमयाक नाम घुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए और तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हकीम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए और एल्याहिम मासेयाह मिन्यामिन मिकायाह एल्योएनय जकरियाह और हनन्याह नाम याजक तुरहिया लिए हुए थे और मासेयाह शमायाह एलियाजर उज्जी यहोहानान मलकियाह एलाम और एजेर खड़े हुए थे और गवये जिनका मुखिया इज्रह्याह था वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने तो बाल बच्चों में भी आनंद किया और यरूशलेम की आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे और गवये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे और जरूबाबेल और नहेमाया के दिनों में सारी इसराइली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून के संतान के अंश पवित्र करके देते थे।